2020 इज अ ईयर ऑफ कर्मा। जैसे मैं कई बार कह चुकी हूँ कि 2020 पे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कर्मा राज कर रहा है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि बॉलीवुड में वापस से मीटू का साया मंडराता नजर आ रहा है। पायल घोष जो कि एक्ट्रेस है, मॉडल है, उन्होंने हाल ही में अनुराग कश्यप पर एक बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया है कि अनुराग कश्यप फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन मी, और जिस तरह की लैंग्वेज यूज की है वो भी एक बहुत ही शॉकिंग बात है। क्योंकि आप एप्ट वर्ड चूज करना चाहते हो लेकिन फिर भी कभी कभी कोई वारदात ही इतनी घटिया होती है कि आप के पास ऑप्शन नहीं बचता वो वर्ड्स चूज करने के अलावा। जिस तरीके से पायल ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अनुराग कश्यप ने अपनी पैंट की जिप ओपन करी एंड देन ही फोर्स्ड हिमसेल्फ ऑन मी, और इस तरह की तमाम बातें, ये सुनकर लिटरली आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन जिस तरीके से पायल घोष ने कहा और इल्जाम लगाया है मीटू का अनुराग कश्यप पर, और साथ ही साथ ये भी कहा कि अनुराग जो है वो ये भी कह चुके हैं कि ये एक्ट्रेसेस के लिए बहुत कॉमन बात है, तुम्हें भी करना चाहिए, एक्ट्रेसेस लाइक यू नो ऋचा चड्ढा और स्वरा भास्कर, ये लोग तो मेरे एक फ़ोन की दूरी पर हैं, अगर मैं एक फ़ोन करता हूँ तो ये लोग आ जाती हैं एंड देन दे डू थिंग्स विद मी। इस तरह की एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया पायल घोष ने, और उन्होंने बताया कि ये सब वर्ड्स अनुराग कश्यप के हैं। अनुराग ने मुझे डिनर पर इन्वाइट किया था, मैं डिनर पर थी उनके साथ, लेकिन डिनर तो नहीं हुआ लेकिन कुछ और जरूर हो गया, सो कुछ और की कोशिश जरूर की गई। तो इस तरह से एक बड़ा ही संगीन इल्जाम तो लगाया है, देखना ये होगा कि क्या कुछ अब बॉलीवुड जो है वो क्या स्टैंड लेता है पायल घोष का। क्या कुछ आपकी राय है इस पर, जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में।